धर्मनगर के रूप में विख्यात भीलवाड़ा शहर में मंगल प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के साध्वी श्री दीपमाला एवं शंख निधि श्री जी का रविवार को हुआ। गजाधर मानसी का धर्मशाला से सकल संघ एवं गाजे बाजे के साथ रवाना हुआ, जो मुख्य मार्गों से होता हुआ चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचा, जहां पर सबने परमात्मा के दर्शन वंदन कर किया। तत्पश्चात धर्म सभा का आयोजन हुआ। आयोजन का संचालन संघ अध्यक्ष विनोद बम्ब ने किया। सर्वप्रथम निशा हिंगड़ ने मंगला चरण द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके पश्चात चिंतामणि महिला मंडल, खड़तरगच्छ महिला परिषद, डिंपल महात्मा, सांची एंड ग्रुप द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। संरक्षक तेज सिंह नाहर, मुकुंद राजबोहरा, अनिल छाजेड़, आर्ची बम्ब, धैर्य गोलेचा आदि द्वारा उद्बोधन एवं संगीत प्रस्तुति दी गई। धर्म सभा के दौरान साध्वी श्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया, 4 महीने में चतुर्मास के दौरान अधिक से अधिक धर्म आराधना तब त्याग तपस्या से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक करें। श्री संघ के महामंत्री ज्ञान शुराना द्वारा पधारे गए सभी संघों के पदाधिकारी एवं श्रावक श्राविका का आभार व्यक्त किया गया। आज साध्वी श्री दीपमाला जी और शंख निधि जी का चतुर्मास भीलवाड़ा में होने जा रहा है। गजाधर मान सिंह से होते हुए गोलपिया चौराहे पे होके और फिर चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर हमारा सब विराजमान रहेंगे और 4 महीने का जो चतुर्मास हो रहा है वो भव्य चतुर्मास होगा। उसमें धर्म आराधना, सभी तरह की धर्म आराधना की जाएगी। राजश्री का चतुर्मास के दौरान बहुत सारी आराधनाएं यहाँ पे होगी, जिसमें महापूजन होंगे और सिद्धि तप होगी। बहुत सारी आराधना यहाँ पे होने जा रही है। 11 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक गुरुदेव की प्रतिष्ठा होने जा रही है और प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन 11 सुबह प्रारंभ किया जाएगा।